वेलकम बैक नाजरीन। फादर्स डे के मौका पर इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए मैं मिसेस जॉर्ज से ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बाप का क्या किरदार है? जैसे दुनिया के सारे वालदैन अपने बच्चों से प्यार करते हैं, इसी तरह हमारे बाप ने भी हमारे बहुत अच्छी तरह तरबियत की और हमारी हर ज़रूरत को पूरा किया। कभी उन्होंने हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। बेशक आज मेरे वालिद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कमी मुझे हमेशा महसूस होती है और कदम कदम पे मुझे ये एहसास होता है कि मेरी इस तालीम और तरबियत में मेरे वालिद का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने मेरी बहुत अच्छे तरीके से तरबियत की और हर तरह से हमें गाइड किया, रूहानी लाइफ में भी और दुनियावी लाइफ में भी, और तालीम के लिहाज से भी उन्होंने कभी हमें बेटों से पीछे नहीं किया, बल्कि वो हमेशा हमारे साथ ऐसे ही चलते रहे जैसे एक दोस्त की तरह। कभी उन्होंने हमें बेटी नहीं समझा, बल्कि बेटा समझ के उन्होंने हमारी तरबियत की और हमें आगे बढ़ने का जो हौसला वो पैदा की। आपके जो हस्बैंड हैं, क्या वो भी अपनी बेटियों और बेटों को यकसा प्यार करते हैं? कभी हमने फ़र्क नहीं किया अपने बच्चों में कि ये बेटा है तो इससे ज़्यादा प्यार करना है और ये बेटी है तो इससे कम। अगर हम ऐसा करें तो हमारी तालीम और तरबियत का कुछ फ़ायदा नहीं है। बाप एक बागबान की हैसियत रखता है और वो जो पौधे लगाता है उनको पानी देता है, उनकी परवरिश करता है, पालना करता है और हर बच्चा जो है उसके हिस्से की जो खिदमत उसके ज़ुम्मे हैं वो करता है। तो मिसिस अजमल से हम पूछेंगे कि आपके बाप का क्या किरदार है आपकी ज़िंदगी में? जैसे सब वालदैन अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में उनकी रहनुमाई करते हैं, इसी तरह मेरे वालदैन ने भी हमारी तालीम और तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे पापा जो हैं वो पेशे के लिहाज से एक प्रिंसिपल हैं, तो मैं छोटी थी, मैं अपने पापा की लाडली बेटी हूँ। हम चार बहन भाई हैं, मेरा नंबर तीसरा है, लेकिन मैं फिर भी बहुत लाडली थी। जो मैंने कहना मेरे पापा ने वो बात पूरी करनी, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करनी। और जब हम छोटे थे हमारा काम हमारी मामा स्कूल का देखती थी, लेकिन हमारा बाकी जितना काम था, हमारे यूनिफॉर्म प्रेस करने से ले कर बैग सेट करने तक, स्कूल छोड़ने तक, वो हमारे पापा की जिम्मेदारी होती थी। और फिर जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में जाते गए, उसी तरह हमारे जो पापा हैं उन्होंने ये हमारी मेरी तालीम की और बाकी बहन भाइयों की तालीम की जिम्मेदारी भी उन पे आ गई। और आज मैं जिस भी मुकाम पे हूँ वो उसमें सारा जो ज़्यादा रोल है वो मेरे पापा का और उसके बाद मेरी मामा का है। और उनकी ही बदौलत आज मैं सेंट एंथनीज़ में टीचर हूँ और ये सारी उनकी मेहनत का नतीजा है। और मैं फादर्स डे पे अपने पापा को हैप्पी फादर्स डे कहना चाहती हूँ। थैंक यू। जिस तरह आपके बाप ने आपकी हर तरीके से मदद की, आपकी एजुकेशन में, आपकी तालीम और तरबियत में, जो आपके ससुराल में बाप हैं उनके साथ आप जो है वो कैसे बिहेव करती हैं? वो भी आपको प्यार करते हैं, आप भी उनको प्यार करती हैं? हाँ जी, मैं भी उनकी लाडली बहू हूँ, मैं बड़ी बहू हूँ उनकी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अपने भाइयों में सबसे बड़े हैं। मैं उनकी लाडली बहू हूँ और मैं उनकी खिदमत भी करती हूँ और वो मेरे से बहुत खुश हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। और हम मिसेस जॉर्ज से भी पूछना चाहेंगे कि आपके जो ससुर पापा हैं, आपका अपने बाप की तरह उनसे भी प्यार है और उनकी भी वैसे ही खिदमत करती हैं जैसे छोटे होते अपने बाप के सारे काम करने और काम करके खुश होना? वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ख़ास तौर पे जब मेरे अबू की डेथ हुई थी तब से उन्होंने कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया। तो मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ और उनका ख्याल भी रखती हूँ। और आज फादर डे के मौका पर आप दोनों बाप के लिए किस तरह उनकी अजमत को सलाम करना चाहेंगी, कौन से अल्फाज के साथ उनकी अजमत को सलाम करना चाहेंगी? Happy Father's Day.
میرے والدین نے بڑے اچھی طریقے سے میری پرورش کی، پالا پوسا، بڑا کیا اور اچھی تعلیم دلائی۔ میں فادر ڈے کے موقع پر اپنے باپ کو ہیپی فادر ڈے کہتا ہوں۔ اجمل خان صاحب، آپ اپنے باپ کو کس طرح سے ہیپی فادر ڈے کہیں گے؟ میں سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے وسیلہ سے میں دنیا میں آیا، پھر انہوں نے مجھے پالا، میری تعلیم و تربیت کی، اور میں ہر لحاظ سے ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ میں آج فادرز ڈے پہ اپنے پاپا کو کہتا ہوں آئی لو یو اینڈ آلسو ہیپی فادرز ڈے۔ کیونکہ یہ فیملی فیلوشپ پروگرام ہے تو تھوڑا سا ہم فیملیز کی انڈرسٹینڈنگ کو چیک کریں گے کہ ان کی آپس میں کیسی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو اس کے لیے ہم 5 منٹ کے لیے جو ہمارے بھائی ہیں، میل حضرات ہیں، ان کو ہم باہر بھیجیں گے اور 5 منٹ کے بعد بلا کے دوبارہ سے ان سے وہی کویسچن کریں گے جو ہم ان کی مسز سے کریں گے۔